हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एचएसएससी से जुड़ी न्यूज़ है। एचएसएससी के नए चेयरमैन जो हमें चुन लिए गए हैं, यानी नए चेयरमैन जो बना दिए गए हैं, हिम्मत सिंह होंगे एचएसएससी के नए चेयरमैन। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती प्रक्रिया में आएगी तेज़ी, यानी ग्रुप सी और जो ग्रुप डी की जो भर्तियाँ चल रही हैं इनमें जो ना भी तेज़ी आएगी। तो जो है ना इनको दोस्तों अभी चुन लिया गया फिलहाल, लेकिन नियुक्ति अभी नहीं हुई है। इलेक्शन कमीशन से जो है ना वो परमिशन मांगी गई है कि हम इनकी नियुक्ति कर सकते हैं क्या। वैसे तो दोस्तों इनको जो है ना चुन लिया गया है एचएसएससी के चेयरमैन के तौर पर। अब जो इनकी नियुक्ति हो गई है दोस्तों, तो अब भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी आने की संभावना जो है इलेक्शन कमीशन से जैसे ही परमिशन दे दी जाएगी, क्योंकि दोस्तों ऐसी ये बात नहीं है कि इलेक्शन कमीशन इसमें परमिशन नहीं देगा, परमिशन इसमें इलेक्शन कमीशन दे देगा, क्योंकि एक नियुक्ति है फिलहाल किसी पद पर, न कि कोई नई चीज़ है। तो दोस्तों हरियाणा के ये दोस्तों AAG रहे हैं, यानी कि हैं फिलहाल अभी भी इस पोस्ट पर अतिरिक्त महाधिवक्ता हिम्मत सिंह जो ना दोस्तों एडिशनल जो हैं अटॉर्नी जनरल ये हरियाणा के हैं। इनको हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के जो ना HSSC के नए चेयरमैन बना दिया गया है। प्रदेश सरकार ने लोकसभा की चुनावी आचार संहिता के चलते मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो हरियाणा के दोस्तों मुख्य निर्वाचन ECI हैं दोस्तों अनुराग अग्रवाल, इनको HSSC चेयरमैन की नियुक्ति की अनुमति मांगी है। 23 मार्च को तत्कालीन जो थे भोपाल सिंह खत्री दोस्तों, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से ये पोस्ट जो रिक्त थी, हालांकि बीच में एक जो रस्तोगी जी को जो IAS हैं दोस्तों उनको अतिरिक्त प्रभार जो दिया गया था, लेकिन अब जो नए चेयरमैन की नियुक्ति होने से जो ग्रुप सी और डी की जो पोस्ट हैं उन पर दोस्तों भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी लाने की जो रहेगी, क्योंकि दोस्तों एडवोकेट से जुड़े जो सभी कानूनी राय या कानूनी विशेषज्ञ के तौर पर इन्हें चेयरमैन बनाया गया है, ताकि आगे की भर्तियों में कोई किसी प्रकार की कठिनाई न हो। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो हरियाणा के मुख्य सचिव हैं TV SN प्रसाद, इन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर HSSC का तत्काल चेयरमैन की मंजूरी के लिए जो ना अनुरोध किया है। कैथल जिले के गांव खेड़ी मटरवा, कैथल जिले इनका जो संबंध है दोस्तों, कैथल जिले के गांव खेड़ी मटरवा से ये रहने वाले हैं और रोड बिरादरी के हैं दोस्तों। तो जिसका इनका जो ना करनाल और जो कुरुक्षेत्र लोकसभा है इनमें भी इसका खासा जो प्रभाव है। तो कुरुक्षेत्र जो विश्वविद्यालय से इन्होंने BA, LLB और ALM करने वाले हिम्मत सिंह ने वकील के तौर पर भी लगभग 16 साल की प्रैक्टिस की है। इसके अलावा ई कस्टडी सर्टिफिकेट पहल, डिजिटल इंडिया अभियान, विकास और कार्यान्वयन आदि का ये हिस्सा रहे हैं, और साथ ही हरियाणा के अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम जो CCTNS जो पुलिस विभाग जिस पर कार्य करता है, इसके डेटा एकीकरण के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। तो ये हिम्मत सिंह दोस्तों नए चेयरमैन HSSC के नियुक्त होंगे, और इनके आने से हो सकता है कि भर्ती प्रक्रिया में तेजी आए। और जो 5 नंबर की जजमेंट जो है, जैसे ही उसका दोस्तों आपके सामने जजमेंट आता है 5 नंबर का, तो हो सकता है भर्तियों में तेज़ी आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां जल्दी से जल्दी होंगी, क्योंकि इलेक्शन का दौर है और आगे आने वाला फिर जो दौर रहेगा वो विधानसभा इलेक्शन का रहेगा। यानी 5 साल जो है ना सरकार कौन सी बनेगी, किस सरकार की आगे कार्यकाल आएगा, वो भी भर्तियों पर ही डिपेंड करेगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय जय भारत।